संबोधित कर रहे हैं। और इससे पहले इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीधी लिए चलते हैं, कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। जयंतीकार लिखे हैं 7 करोड़ 25 लाख के आसपास गांधी कार्ड मिले लोगों को, जिसमें चाहे वो काम कमी योजना हो, गायों का बीमा कर दिया, गाय मरी लंबी हुए तो 40,000 दे दिए उनको भी। हम पूरे योजना में हम किट दे रहे हैं, जिसमें दालें भी है, शक्कर भी है, तेल भी है, जिस मसल भी है। ये मुबारक मौका है और महिलाओं का भी डीबीटी होगी गैस सिलेंडर की 500 रुपये की। इस मौके पर मैं एक और घोषणा करना चाहता हूँ। वो घोषणा ये है कि दीपावली और त्यौहार आ रहे हैं, सभी धर्मों के त्यौहार आएंगे, वो भी आएंगे इसी दीपावली के महीने में भी आएंगे, नवंबर में भी आएंगे, अक्टूबर में आएंगे। तो मैं चाहूंगा दीपावली और अन्य त्यौहार देखते हुए जो खादी सामग्री के किट मिल रहे हैं अन्नपूर्णा योजना के, उन तमाम परिवारों को एक किट एक्स्ट्रा मिले हैं, ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ हमारे जिला को। इस प्रकार से कोशिश है मेरी कैसे महंगे के मार्ग परिवार में कम करे। 100 यूनिट बिजली करनी हम लोग, वो खाली गरीब ही नहीं है, तमाम परिवार जितने राजस्थान में है सबको 100 यूनिट बिजली का खतरा देना कर रहा है। और ये 100 यूनिट आनी थी उनके 0 भी आ रहे, 1 करोड़ लोगों लग पाए। तो मैं कहना चाहूंगा कोशिश है सब स्कीमों लागू करें, जिससे कि हर परिवार में इस महंगे के दौर में उसे कुछ राहत मिल सके। जिलों का आयोजन मैं समझता हूँ कि शानदार हो रहा है, अपनी जगह है, पर राजस्थान जी की गति प्रगति कर रहा है। शायद आपको ध्यान की प्रसिद्धा होगी, राजस्थान और उत्तर भारत के अंदर आर्थिक विकास कर रहे हैं, नंबर 1 हो गया। राजस्थान बड़े राज्यों में देश के अंदर नंबर 2 पर है, नंबर 1 आंध्र प्रदेश है, GDP उसकी 11.4% है, हमारे GDP 11.04%। तमाम हमारे फाइनल पैरामीटर बहुत शानदार है, इसीलिए ये खेल में आयोजन करने हो 150 करोड़ रखे गए हैं खेल में आयोजन के लिए। सरकार वही मत कर सकती है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करे, वित्त कमी संभव करे, तब जाकर के एक के बाद एक स्कीम आ रही है। खेलों के आयोजन में 150 करोड़ का अलग प्रबंधन किया मैंने, इस पर हर क्षेत्र के नौजवानों को, छात्रों को फॉर्म दे रहे हैं, किसानों के लिए अलग से ग्रांट पेश किया हम लोगों ने। आज दावे हम कह सकते हैं कि राजस्थान में हर गांव, हर परिवार गांव का और शहर का कोई भी तरीके से वो बेनिफिशियरी हो रहा है इसकी मौत का। ये कोई मामूली बात नहीं, इतने फैसले हुए हैं हर परिवार, चाहे बिजली किसान की हो, उपभोक्ताओं की हो, अन्नपूर्णा किट हो, कामधेनु योजना में 2 पशुओं का बीमा हो, जितनी स्कीमें बनाई है वो खाली बनाई नहीं है, उन्हें लागू भी किया है। इस प्रकार से गुड गवर्नेंस हो रही है, IT में हो रही है, खुशी होगी आपको। IT के लिए राजस्थान देश में नंबर 1 है। IT में गवर्नेंस होना सुन सकते हो, डीबीटी कैसे होगी अभी इसलिए हो रही है क्योंकि डीबीटी IT बेस्ड है। इस प्रकार से तमाम कंप्यूटर, आपके मोबाइल फोन, इंटरनेट की सेवाएं महिलाओं को दे रहे हैं, 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, 40 लाख की शुरुआत हो गई है, 3 साल की इंटरनेट सेवा फ्री होगी। हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा फैसला नहीं हुआ होगा महिलाओं को एम्पावरमेंट करने का फैसला चल रहा है। कई महिलाओं का सुनी बात रही है केंद्र में, ये राजीव गांधी का सपना था, जब ये लागू होगा हम समझेंगे इनका सपना पूरा हुआ है। पंचायत राज के अंदर किसान निकाय के लिए आरक्षण दिया गया महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को, दलितों को, पहले गांव में सरपंच बने जाते हैं, प्रधान प्रमुख बने जाते हैं। इसी प्रकार से जो फैसले हो रहे हैं वो सुशासन के कई हो रहे हैं। इसे मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले वक्त के हम सब लोग मुझे सपना देखे और नौजवान खिलाड़ी हो, खिलाड़ी को उड़ान भरता है,
जो कई बार जनता को खेल के मैदान में खेलना आवश्यक है, जिंदगी के अंदर अपने स्वास्थ्य के लिए भी खेलना आवश्यक है। तत्काल मैंने शरीर क्षमता पैदा होती है खेलने की, खेलता है तो जितनी तेज गति से वो खेलता है तत्काल निर्णय करता है, दूरदृष्टि होती है, एकदम जाए कामना होता है, फिर कोई फायदा होता है खिलाड़ी करता है खेलते खेलते। इतने खेलों का आयोजन कर दिया हम लोगों ने, ऐसी सेवा करी थी कैसा भी मिलती इस भर के अंदर। इसलिए मैं इतने जाना चाहूँगा जिले आगे तेती जिले पचास आगे आज 50 जिले के खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं मैदान के अंदर, राजीव गांधी ग्रामीण में खेल रहे थे समापन के शुरुआत कर, अभी कबड्डी का मैच भी होगा, अभी गैस सिलेंडर डीबीटी होगी, तो मैं आप सबको यही जाना चाहूंगा राजस्थान में जोधपुर में भी अभी 4 विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, एमडीएम इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रही और 8 विश्वविद्यालय चीजें लिखी जा रही है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी और दिव्यांग भाई बहन है उन जगह सूचना बारे में बैठी हुई है, इतना सोचता है उनकी दुकानी उन्हें सेवा करते करते उनकी प्रेरणा से हमने खोला है। दिव्यांग विश्वविद्यालय जो उन्होंने जा रहा है कल ही मैंने 2500 रुपये सेंटर किए हैं विश्वविद्यालय के लिए। आप सोच सकते हैं कि जो काम समाज के हित में हो, वेलफेयर स्टेट है, स्टेट बन गया राजस्थान हमारा और हमने मांग करी है 30,000 के लाइफ टू सोशल सिक्योरिटी हर परिवार को, हर परिवार को दुनिया के मुल्कों में जो मदद मिलती है घर चलाने के लिए, ऐसे जो परिवार है 2 दिन में खाना नहीं बना सकते, बुढ़ापे के अंदर मजदूर काम नहीं कर सकता है, उन सबकी गारंटी सरकार ने कानून पास करे केंद्र में सरकार सोशल सिक्योरिटी का, जैसे मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी ने की कानून पास किए थे नरेगा जाते फूड सिक्योरिटी का दिया था, शिक्षा का दिया था अधिकार देने का और सूचना का अधिकार दिया था, उसी प्रकार से सोशल सिक्योरिटी बने सबके परिवार में होगा, ये हम सभी भावना है, इसलिए हमें चीज सुन लेकर आए। इसलिए मैं आपको इस पर कहना चाहूंगा राजीव गांधी के नाम से श्री से कृषि अगर बन गई क्षेत्रों इलाके से काम शुरू हो गया, मेरे का नागो रोड पर खेल के मैदान अपनी पूरी निश्चित बन गई, देश के अंदर खिलाड़ियों के लिए फिजिकल कॉलेज की जगह है, अभी मैं देख के आया 10-15 दिन पहले वहां का शानदार कॉम्प्लेक्स बनेगा, वहां पर काम शुरू हो गया है, मुझे खुशी है गर्व है कि आज राजस्थान खिलाड़ी आने वाले वक्त के अंदर भी हम लोग उसको महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जहां जहां खेल अकेडमी बन सकती है जिस जिले में जो खेल पॉपुलर है उस जिले की अकेडमी बना रहे हम लोग राजस्थान बढ़िया है, कोई पोस्ट मिले अच्छे पोस्ट की सुविधा मिले उनको, अच्छी ट्रेनिंग हो, हमारे खिलाड़ी राजस्थान लेवल पर नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम गाना करें, ये सपना हम सबका होना चाहिए। इसलिए हमने जो मिशन 2030 तक का है इसलिए बनाया है, राजस्थान आज ऐसी स्थिति में आ गया है, चर्चा चल रही है राज्य में अपनी स्कीमों के बारे में, वही गवर्नमेंट अपने मैन्युफैक्चरिंग डाल रही है अपनी स्कीमों को राजस्थान की स्कीमों को, तो मैं कहना चाहूंगा अब जो हमने मिशन 2030 का जो थीम दिया है प्रदेश का जो 2 करोड़ से अधिक 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने अभी तक अपनी राय दे दी है ऑफलाइन ऑनलाइन, उसके मायने हैं राजस्थान के लोगों में जज्बा है, राजस्थान सभी के भविष्य कैसा हो, किस तक क्या क्या सुविधा मिले, किस किस क्षेत्र मिले, ये सपना हो उनका हो और सपना निभाने के लोग आगे आ रहे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी राय दी है। यह कहना है मिशन डॉक्यूमेंट हम पेश करेंगे प्रदेशवासियों के सामने और उसको आधार बना करके आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान का भविष्य तय होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारी बात नहीं कहता हुआ आप सबको मुबारकबाद जो खिलाड़ी आए हैं जीत करके, आप सबके तमाम
58 लाख जिन्होंने भाग लिया है, खिलाड़ियों ने, आम जनता के प्रदेश वाली किसी उम्र जो उन सबको मेरा बहुत बहुत ही मैं उनको कहना चाहूंगा। अभी भागीदारी थे जाकर निशान बड़ी देश कर रफ्तार में गांव गांव में लोगों ने खुशी दिखाई है। करोड़पति आप सबके मैं उज्जवल भर की कामना करता हूँ और इन्हीं सुपर साथ में अपने आश्रम प्रमुख धन्यवाद जय जय। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। दिवाली का बोनस मिल चुका है सभी को, प्रदेश की सरकार को। तो जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कई सारी सौगातें दी हैं और जमकर अपनी योजनाओं की उनकी ओर से तारीफ भी की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य के सेक्टर में भी राजस्थान में बेहतरीन काम हुआ और यही वजह है कि केंद्र से लेकर तमाम जो राज्य है वहां पर भी राजस्थान की तारीफ हो रही है। राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता 23 के उद्घाटन घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।